स्टूडेंट्स वेलकम बैक, दिस इज अक्षय अगेन। लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मिरर फॉर्मूला एंड द साइन कन्वेंशंस। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग और डीलिंग विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, आपको थोड़ा फील आना चाहिए कि सर टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको। ठीक है, कौन किसकी बात कर रहे हैं? देखो, पहले तो मिरर ढूंढ लो। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर, अभी कॉन्वेक्स मिरर हम उसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किए हैं ऑटोमोबाइल की जो रियर व्यू विंडो नहीं, रियर व्यू मिरर नहीं होती, साइड में होती है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 meters एंड द सम बस इज लोकेटेड एट 5 meters फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पीछे तो नहीं खड़ी हो सकती, सामने ही खड़ी होगी तभी तो उसकी इमेज दिखेगी। सो फाइंड द पोजिशन, मतलब उसका डिस्टेंस, साइज एंड नेचर ऑफ दिस इमेज। अगर कॉन्वेक्स मिरर याद नहीं आ रही तो ड्रॉ करो, उसका कुछ साइन कन्वेंशन याद नहीं आ रहा है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो इस साइड पे होता है, तो प्लस में होता है। फिर जो फोकस होता है वो भी पॉजिटिव में होता है, करेक्ट है। लेकिन जो इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, रियल और ये वर्चुअल। ये इमेज फॉर्म हो गई, अभी आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा डोंट वरी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होती है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, तो वी जो आनी है वो पॉजिटिव ही आनी है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में आपको जब बाइक की साइड मिरर होती है उसमें आपको इमेजेस इन्वर्टेड नहीं दिखती, इरेक्ट ही दिखती है। ठीक है, तो चलो इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो सब गिवन लिख दो, क्या क्या गिवन है। हमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 meters, तो वी कैन फाइंड आउट फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सॉरी फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है ना, क्या है ये प्लस 1.5 और ये मीटर्स में, सही है। मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, यूनिट्स सब सेम होनी चाहिए सबके। ठीक है, ये पहली चीज़ मिल गई हमें। फिर उसके बाद बस, नाउ बस इज़ द ऑब्जेक्ट, तो बस कितने दूर है, 5 meters इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो जो u लिखते हैं हम इमेज डिस्टेंस वो कितना है 5 meters, लेकिन इस साइड पे, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव 5 meter, साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या मिरर फॉर्मूला है, 1/F = 1/V + 1/U, करेक्ट है। किसी किसी बुक्स में ये पहला ये बाद में लिखा होगा, डोंट वरी। तो फोकल लेंथ कितनी है, प्लस 1.5 या सिंपली 1.5 रख दो, इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, कितना है -5, मैंने बाकी कहीं पे छेड़छाड़ी नहीं की है, बस वैल्यूज पुट करते समय प्लस या माइनस ये गिवन में लिख के यहाँ पे पुट कर लिया है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, ये प्लस है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, 1/1.5 इज इक्वल टू, ये 1.5 को एक्चुअली ये पॉइंट इसमें नहीं लिखना होगा, फिर भी चलो ठीक है 1/V, ये माइनस इधर चला जाएगा, -1/5, करेक्ट है, गुड। तो ये 1/V विल बी इसकी और इसकी एडिशन, ये इधर जाके प्लस बनेगा, तो 1/V क्या होगा, 1/1.5 + 1/1.5 + 1/5, इसकी एडिशन कर लो, देखो क्या आता है, करेक्ट है। देख लो ये कैलकुलेशन आपके हाथ में, इसको गलत मत कर देना। तो हमें इमेज डिस्टेंस मिल गई, कैसे मिली है, प्लस ही मिली है ना, तो इधर से ही लिख सकते हो द इमेज इज फॉर्म, अभी पॉजिटिव है मतलब बियॉन्ड द मिरर ही फॉर्म हुई होगी, फॉर्म बियॉन्ड
द मिरर, करेक्ट? ओके, एंड इट इज वर्चुअल, ठीक है। दूसरी चीज, उसका नेचर साइज वगैरह बताने का काम कौन करता है? मैग्नीफिकेशन, और मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज माइनस वी बाई यू, करेक्ट? याद है ये? तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, वी की वैल्यू क्या मिली हमें, 1.15 प्लस में, अपॉन यू क्या है, -5, करेक्ट है। तो ये देखो, प्लस माइनस 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 1.5 अपॉन -5, ये चला गया, जा सकता है ना, हट सकता है ये। तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा यार, मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, करेक्ट? और ये प्लस में आएगा, देखो माइनस माइनस हट गया। अब ये प्लस जो है ये क्या बताता है? इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, करेक्ट है। और हियर एम इज लेस देन 1, करेक्ट है, 0.23 मतलब 1 से कम है, तो इट इज डिमिनिश्ड। पूरी बस नहीं दिखेगी ना इसमें उतनी बड़ी, उसको कम करके दिखाना पड़ेगा, तो इमेज क्या करनी पड़ेगी, डिमिनिश। इसलिए रियर व्यू विंडो में हम कौन सी मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन द साइज और डिमिनिश्ड। ओके, आसान सा सवाल करते हैं, और एक आपके बुक में से ही है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज किया है, फिर हाइट क्या दी है, 4 सेंटीमीटर्स, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है, गुड। फिर किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर की, ठीक है, पूरा क्लियर होगा। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है, गुड। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑप्टेन अ शार्प इमेज, मतलब क्या होता है, कॉन्केव मिरर रियल इमेज फॉर्म करती है, करेक्ट है। तो स्क्रीन रख के उस पर शार्प इमेज फॉर्म कर सकते हो, मतलब द पॉइंट वेयर इमेज विल बी फॉर्म, मतलब हमें इमेज डिस्टेंस पूछा है, गुड। फिर नेचर और साइज तो हर एक क्वेश्चन में आता ही है, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं इसका अच्छे से। पहले देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दी है, 4 सेंटीमीटर, ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर ऐसी होती है, तो इसके सामने इधर सारा नेगेटिव, इधर सारे पॉजिटिव, करेक्ट। इसके सामने अगर रख रहे हो तो ये जो 25 सेंटीमीटर है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये -25 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिकॉज इट इज केप्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड, इसकी फोकल लेंथ बोली है 15 सेंटीमीटर, आप बताओ मुझे फोकल लेंथ प्लस आती है माइनस आती है, इधर आएगी क्या फोकल लेंथ, इधर आएगी ना, और इधर क्या होता है नेगेटिव, तो -15 सेंटीमीटर, गुड। सो टू फाइंड, पहले इमेज डिस्टेंस क्या है ये फाइंड आउट करना है, और सेकेंड नेचर साइज वगैरह मतलब मैग्नीफिकेशन क्या है ये फाइंड आउट करना है सिंपली, और थर्ड साइज ऑफ द इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है, करेक्ट है, देख लेंगे हम, डोंट वरी। पहले यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट है। तो वी डोंट नो व्हाट इज वी, करेक्ट है। तो यहाँ पे 1/v जैसे था वैसे ही रखो, प्लस 1/u क्या है, -25 इज इक्वल टू 1/f क्या है, -15 है, करेक्ट है। इसको सॉल्व करो, मैं साइड में लिख लेता हूँ अभी। तो ये 1/v ये माइनस इधर चला जाएगा, -1/25 इज इक्वल टू -1/15 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/v इज इक्वल टू 1/25 -1/15 ये माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा, करेक्ट है। इसको अगर सॉल्व करोगे, कर लो, क्या करोगे इसको सॉल्व, 75 बेस कर लो इसका, करेक्ट है, ऐसे। करने के बाद ये आया कि देख लो, फिर v क्या होगा, करेक्ट है।
तो इमेज डिस्टेंस जो आया 37.5 आया, ठीक है। और ये माइनस क्या दिखा रहा है, रियल वर्ल्ड में दिखा रहा है कौन, क्योंकि इस साइड में आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे स्क्रीन प्लेस कर दो, स्क्रीन प्लेसमेंट यहाँ पे करो, आ जाएगा, करेक्ट है। सेकेंड मैग्निफिकेशन, एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाय यू, करेक्ट है। तो माइनस वी की वैल्यू क्या मिली है, माइनस 37.5। ये माइनस वी इसलिए डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं लेनी है, माइनस है ही पहले से, वी के जगह हम ये लिखेंगे, वी प्लस में आता तो प्लस लिखते हैं यहाँ पे, माइनस में था माइनस लिखते। और यू कितना है यार, यू कितना है, माइनस 25, करेक्ट है। जो आंसर आएगा ये आएगा, यार इसको हटा लो, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, माइनस 37.5/25, ठीक है। अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 1.5 आ रहा है, यार पेन को क्या हुआ है, ओके माइनस 1.5, तो मतलब मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन वन, सो इमेज इज मैग्नीफाइड, एंड मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट है। ये दोनों कंडीशन आ गई ना यहाँ पे, लेकिन हमें मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा, हमें पूछा है हाइट ऑफ द इमेज। हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज गिवन एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ मत करना, ठीक है। सो द मैग्नीफिकेशन इज, यहाँ पे माइनस वी बाई यू था ना, तो एच आई बाई एच ओ ही रखना, इसमें वैल्यूज पुट करते समय प्लस माइनस देखेंगे। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, माइनस 1.5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हमें पता नहीं है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आई गेस 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को कैसे वर्टिकली प्लेस करते हैं ना, अपवर्ड डिस्टेंस प्लस होता है, ये प्लस ही आएगा, करेक्ट है। तो अगर देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, एच आई कितना आ रहा है, माइनस 6, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू, ओके। हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल है। अब कॉन्केव मिरर किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखो इस पे ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर हम गिवन लिखने वाले हैं तो पहले कॉन्केव मिरर को देख लो, मैग्नीफिकेशन जो बोला है 3 times मैग्नीफाइड, मैग्नीफिकेशन 3 आएगा, 1/3 नहीं 3 आएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन डिमिनिशन नहीं हो रहा, और रियल इमेज है मतलब ये क्या आएगा, नेगेटिव। देखो उल्टा कर रहे हैं हम, अगर मैग्नीफिकेशन माइनस 3 दिया होता तो माइनस है मतलब रियल बोल देते हम, और 3 मतलब मैग्नीफाइड बोल देते, लेकिन इस फ्रेज से हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है, मैग्नीफिकेशन गिवन एज माइनस 3, करेक्ट है, हमने ऑप्टेन कर लिया। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म करोगे ना, और ये क्या है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि रियल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी माइनस 10 सेंटीमीटर। सो वी नीड टू फाइंड वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, मीन्स टू फाइंड वॉट इमेज डिस्टेंस। सो सिंपली वी नीड नॉट यूज मिरर फॉर्मूला हियर, बिकॉज नो फोकल लेंथ इज गिवन, नथिंग। सो सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, बिकॉज वी नो एम, वी नो यू, वी नीड टू फाइंड वी, सिंपली दिस फॉर्मूला, नो मिरर फॉर्मूला कैन टू बी यूज्ड। मैग्नीफिकेशन इज माइनस 3 इज इक्वल माइनस वी आई डोंट नो, और यू इज माइनस 10, करेक्ट है, गॉट इट। सो माइनस 10 इंटू माइनस 3 हाउ मच, 30 इज इक्वल टू वी, करेक्ट है। माइनस 3 इंटू माइनस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस वी, सो वी इज इक्वल टू माइनस 30, करेक्ट है।
So image will be formed in front of the mirror at a distance 30 centimeters. Correct? बहुत ही simple question था, और एक कर लेते हैं. Let's have a look at another question. It is also simple. We are talking about convex mirror. What is the question? See, an object 5 cm in height is placed at a distance 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position, nature and size of the image. We are talking about convex mirror. Okay, the image is object is placed at 20 cm. Okay, so object distance is denoted in u. So object distance is minus 20 because it is in front of the mirror. This world, real world, is negative, virtual world is positive. Got it? Good. Now convex mirror of radius of curvature 30 cm. Its radius of curvature is inside. So radius of curvature is plus 30 cm. So the focal length will be plus 15 cm because focal length is half of the radius. So given, first, object distance is minus 20 cm in front of the mirror. Great. Radius of curvature is given as plus 30 cm because we are talking about convex mirror. So the radius of curvature comes in the virtual world or positive world. Okay, using the new sign convention. And thus focal length is given as half of the radius of curvature. So it will be 15 cm. This is enough. So we just need to find out the position, nature and size of the image. So we need to find out what is V and what is M. We can interpret and what is the height of image. That's all. Okay, it is very simple now. So using mirror formula, 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. Correct. So 1 upon V plus 1 upon what is U? Minus 20. What is 1 upon F? F is plus 15. Correct? इसको solve करो. 1 upon V minus 1 upon 20 is equal to 1 upon 50. Correct? Minus. So now it will be 1 upon V will be, this will go beyond the border, so it will become positive. So 1 upon 20 plus 1 upon 15. Correct? So 1 upon V is 60/7. Okay, so the answer will nearly be equal to 8.5 centimeters, approximately I'm talking about. So this is plus. So what this positive means, it is image formed is virtual. If it is virtual, it is also erect. Okay, and beyond the mirror. Correct? Yeah. Now if you talk about magnification, what is the formula for magnification for any mirror? I'm talking about mirror. Okay, M is equal to minus V by U. So if you put values, what is V upon what is U? Minus 20. I leave up to you. Okay, you solve it, but you just find out. You got negative. The answer will be somewhat positive. And this 20 is bigger than 8.5, so magnification will be less than 1. So if it is less than 1, means the image is diminished. For the same purpose, we use rear view mirrors. No? If the image is diminished, that's why we can see the whole object. Let's suppose bus or some nature, we can see in the small mirror. That's why the image formed is diminished. Okay, positive means it is virtual. We can only see it in the mirror. We cannot obtain it on a screen. Okay, fine. You just solve it and tell me, because the answer will come in point. Okay. We are done with the mirror formula, numericals on mirror formula, magnification, nature, size, position, everything.
ओके सो ये कब आपको स्ट्रांग होगा आपका मिरर फॉर्मूला, जब आप खुद एक्सरसाइजेस या फिर कहीं से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते समय अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो आप मुझे वो सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इज द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ओके बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो दोनों मिरर्स के बारे में देखेंगे हम, कॉनकेव मिरर के बारे में भी देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो टॉर्च, हेडलाइट्स इत्यादि में यूज होता है एक्सेट्रा। क्यों यूज होता है? क्योंकि हमने देखा था कि टॉर्च की जो ये जो इनसाइड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब होता है। टॉर्च का फंक्शन क्या है कि पूरी जो लाइट की बीम है उसको उसे पैरेलल बीम क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जाएंगे ये सब रेज इसको डाइवर्ट करेगा वो सामने, इसलिए इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो एप्लीकेशन है डेंटिस्ट मिरर्स और शेविंग मिरर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर यहाँ पे फोकस है, मान लो यहाँ पे पोल, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है, जाके रे डायग्राम्स में देख लो एक बार, वर्चुअल और मैग्नीफाइड प्रोड्यूस होती है। तो हम छोटी चीज़ों को यूजिंग कॉनकेव मिरर्स बड़ी कर सकते हैं वर्चुअली, मतलब प्लेन मिरर यूज़ करने से अच्छा ये मिरर यूज़ करना, क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज़ दिखेगा, ठीक है। अगर इसको इधर लेके आओगे तो रियल इमेज, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। शेविंग मिरर्स वगैरह करते समय आप मिरर के एक बहुत पास होते हो ना, या फिर डेंटिस्ट जब ये ऐसी वाली मिरर्स यूज़ करते हैं तो जो टीथ होते हैं इसके एकदम पास होते हैं, मतलब फोकल लेंथ और पोल के बीच में ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया होता है, तब ये मैग्नीफाइड मिलता है, तो प्लेन मिरर से भी ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है, ये ध्यान में रखना। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है सिनेमा थिएटर में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, ध्यान में रखना बड़ी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। या फिर और एक है वाटर हीटर्स, आपने देखे होंगे सोलर वाटर हीटर्स, उसमें क्या होता है अगर रेज अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये क्या कर लेता है, फोकस पे उनको, मतलब फोकस पे उसको कन्वर्ज कर लेता है, और यहाँ पे एक पाइप होती है वाटर की जिसपे सारे रेज आके हिट कर लेते हैं, वाटर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, समझ में आ रहा है। ऐसी भी एक एप्लीकेशन, ये चार एप्लीकेशंस ठीक है आपके लिए, मतलब इतने ओके हैं, बुक में और कुछ मिल जाए तो देख लेना। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स का सबसे ज़्यादा और वाइडली यूज्ड, मतलब ये इसने बहुत बड़ी इन्वेंशन कर ली, बहुत काम आसान कर लिया हमें, रियर व्यू मिरर्स। क्योंकि हमने देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी कितना भी दूर होने दो उसकी इमेज यहीं पे फॉर्म हो जाती है, इधर इधर या इधर, और बहुत छोटी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को कॉन्वेक्स मिरर में छोटा छोटा करके और देख सकते हैं अच्छे से, इसलिए तो बाइक में यहाँ पे हम वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। देखा होगा ना कभी कभी, ये हैंडल है अपना, ये इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर्स, या फिर बसेस में इतने बड़े बड़े मिरर्स होते हैं, देखो ट्रेवल्स में वगैरह, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा कि एक मिनट, स्ट्रीट लाइटिंग कहते हैं उसको, मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कह सकते हो कि मान लो, मतलब डाइवर्ट करना है हमें, डाइवर्टिंग द बीम, या फिर आप सिंपली क्या बोल दो, डिस्को में डिस्को बॉल होते हैं ना, उस पर अगर हमने क्या कर दिया, हिट कर दिया, तो सारी जगह डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, करेक्ट है ना।
सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन है, लेकिन ये इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। यही है जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में। ओके, सो आई कंक्लूड माई लेक्चर हियर। आई होप यू आर क्लियर विद द रिफ्लेक्शन पार्ट। आप स्टडी करोगे, बुक्स पढ़ोगे और मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ओके, सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।